आपने कई बार आईपी एड्रेस या फिर डीएनएस सर्वर यानी कि डोमेन नेम सिस्टम के बारे में सुना ही होगा। अगर आप आईपी एड्रेस और डोमेन नेम सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान ज्योति, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों आपने डीएनएस के बारे में सुना ही होगा यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है? मान लो आपके पास कोई वेबसाइट है यानी कि आपने कोई वेबसाइट डिजाइन की है और आपने उसे इंटरनेट पर पब्लिक कर दिया है। अब अगर आप उस वेबसाइट को खोलते हैं तो उस वेबसाइट का आपको पहले जो आप पब्लिश करते हैं तब आप उसको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है यानी कि आपकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस मान लो कुछ भी हो सकता है यानी कि 192.168 या फिर आगे कुछ और भी, ये मान लो आपकी वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। अगर आप इसे और आसान बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें डीएनएस सर्वर काम में लेना होगा यानी कि आपको इसमें कुछ अलग नाम जोड़ना होगा यानी कि मेरा नाम निशान चौधरी तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम जो आईपी एड्रेस है उससे आईपी एड्रेस तो जो आगे आईकेन कंपनी के पास चला जाता है मगर आईकेन कंपनी को मुझे बताना है कि मुझे ये आईपी एड्रेस इस नाम से यानी कि इस शॉर्टकट नाम से खोलना है यानी कि nishanchaudhary.com नाम से ये वेबसाइट खोलनी है। ये हो गया डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर काम सिर्फ इतना है कि जो आपका आईपी एड्रेस है उसे आसान बनाना ताकि आम इंसान इसे याद रख सके, क्योंकि जो आईपी एड्रेस है वो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए इसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर जो डीएनएस सर्वर के यानी कि डोमेन नेम सिस्टम में जितने भी डोमेन नेम रजिस्टर होते हैं वे सारे आईकेन में रजिस्टर होते हैं यानी मुझे आईकेन कंपनी में डोमेन नेम रजिस्टर कराना होगा कि इस आईपी एड्रेस का जो डोमेन नेम है वो मेरा है और साथ ही साथ वो इसे मैनेज करेगी कि इस नाम से जो वेबसाइट खुले वो मेरी ही खुले। ये होता है आईकेन कंपनी का काम। सो जो आईकेन कंपनी है वो डीएनएस सर्वर को मैनेज करती है। और अगर बात करें कि आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस जैसे कि मैंने बताया कि आपकी वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, मगर अगर आईपी एड्रेस की हम दूसरी तरह की बात करें तो आपके घर पर जो राउटर लगा होता है वो भी एक आईपी एड्रेस से मैनेज होता है यानी कि आपके राउटर के अलग आईपी एड्रेस है, आपकी उससे जो कनेक्टेड डिवाइस है यानी कि आपका मोबाइल कंप्यूटर इसका अलग आईपी एड्रेस है और जो आपका जो राउटर जिस आप आईपी जिस सर्वर से कनेक्टेड है यानी कि आपने गूगल कंपनी की कोई वेबसाइट खोली तो आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस वो इन्फॉर्मेशन भेजता है आपके राउटर के पास और राउटर वो इन्फॉर्मेशन भेजता है आपके आईएसपी के साथ कि हमें वो वेबसाइट खोलनी है और आईएसपी भेजता है टीयर टू टीयर थ्री कंपनी के पास और टीयर टू कंपनी भेजती है टीयर वन कंपनी के पास और टीयर वन कंपनी से वो इन्फॉर्मेशन जाती है डेटा सेंटर में, इसलिए आपकी वेबसाइट खुल जाती है क्योंकि उसे पता है कि ये आईपी एड्रेस ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा है यानी इस आईपी एड्रेस पर सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप गूगल खोल रहे हैं तो आपको कोई दूसरी वेबसाइट खुलती है यानी कि अगर आप गूगल खोल रहे हैं आपको यूट्यूब खोल के दिखाता है, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये मैनेज होता है आपके आईपी एड्रेस से। मान लो आपने यहाँ गूगल खोला तो वो इन्फॉर्मेशन आगे जाती है कि इस आईपी एड्रेस को google.com खोलना है, इसलिए आपके पास google.com खुलता है। मगर ये अगर आईपी एड्रेस ना हो तो इसमें बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। मान लो अगर आप खोल रहे हैं google.com खुल रहे हैं यूट्यूब या फिर फेसबुक, ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए आईपी एड्रेस को बहुत जरूरी होते हैं। ये होते हैं आईपी एड्रेस और डोमेन नेम सिस्टम। और अगर बात करें कि आईपी एड्रेस से और क्या किया जा सकता है, मान लो कोई वेबसाइट है यानी कि आपका किसी वेबसाइट को किसी दूसरे हैकर ने हैक कर लिया है तो उससे उसका इन्फॉर्मेशन लगाया जा सकता है कि उसने इस आईपी एड्रेस से इस वेबसाइट को खोला गया था, इससे इसको हैक किया गया था, इसलिए आईपी एड्रेस से किसी दूसरे डिवाइस का एड्रेस भी पता किया जा सकता है क्योंकि सभी आईपी एड्रेस की अपनी अपनी एक लोकेशन होती है। मान लो आपका आईपी एड्रेस कुछ भी है तो जितने जो भी उसका आईएसपी है वो उस आईपी एड्रेस को बता सकता है कि ये हाँ ये जो आईपी एड्रेस है इसको मैंने ही कनेक्शन दिया है, ये मेरे इंटरनेट से ही इंटरनेट यूज करता है, ये वो आपकी से आपका जो एड्रेस है वो पता लगाया जा सकता है। आईपी एड्रेस के जरिए कई हैकर्स को भी पढ़ा जाता है। ये होते हैं आईपी एड्रेस और डीएनएस सर्वर। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि आईपी एड्रेस और साथ ही ये डोमेन नेम सिस्टम क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।